आज की वीडियो में बिल्ड स्किल के पोर्टेबल ब्लोअर के बारे में बात करेंगे, क्या होता है ये और किस लिए इस्तेमाल करा जाता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी को हम चेक करेंगे और साथ में और ब्रांड्स के साथ भी कंपैरिजन करेंगे, देखने के लिए कि क्या सच में ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है भी कि नहीं। कुछ इस तरीके का बॉक्स आता है बिल्ड स्किल के पोर्टेबल ब्लोअर का। 620 वाट्स की इसकी पावर कंजम्पशन है। साथ में इसमें जो स्विच दिया गया है वो वेरिएबल है। ये सारी स्पेसिफिकेशंस इसकी दी गई है और इस तरफ और भी डिटेल्स आपको कंपनी की मिलती है और अलग अलग एप्लीकेशंस इसके दिखाए हुए हैं। सबसे ऊपर इस मशीन की नोजल भी आपको मिल जाती है। कुछ इस तरीके का साइज और फॉर्म फैक्टर है इसका। खैर, हाथ में पकड़ने में प्लास्टिक काफ़ी हल्की लग रही है, बाकी यूज़ करके इसे पता चलेगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस ये देता है। और साइड्स पे इसके कार्बन ब्रशेस बदलने के लिए जगह दी हुई है। यहाँ पर इसका ट्रिगर स्विच है, जितना गहरा आप इसको दबाएंगे उतनी ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। 3 मीटर लंबी पावर कॉर्ड इसके साथ आपको मिलती है। साथ में बिल्ड स्किल की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है, इनकेस कोई भी इशूज़ आ रहे हैं आपको प्रोडक्ट के साथ तो इनको आप संपर्क कर पाए। बहुत हल्का सा दबाने पर चालू हो जाता है। इस ब्लोअर के ढेरों एप्लीकेशंस हैं। कॉमनली आपने देखा होगा जो कंप्यूटर कैबिनेट्स होते हैं हम इसके मदद से साफ़ करते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की प्रोसेस है और मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि इसके मदद से आप ऐसा करें। एक अलग से डस्टर आता है, उसके मदद से आप ज़्यादा सेफली अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को साफ़ कर सकते हैं। और रही बात इस लीफ ब्लोअर के एप्लीकेशंस की, तो कई बार कार के मैट साफ़ करने के लिए भी काम आता है ये। कई बार अलमारियों के नीचे जो डस्ट इकट्ठा हो जाती है उसको उड़ाने के लिए भी ये काम आता है। अब इस तरह के ब्लोअर्स आपने मार्केट में 300 रुपये से लेकर 2500, 3000, 4000 तक के भी बिकते हुए देखे होंगे। डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है, कौन सा मॉडल है और कितने फीचर्स वो आपको दे रहे हैं। तो इसमें आप अगर कंपेयर करेंगे जो बिल्कुल लो एंड वाले मॉडल्स को अगर आप देखते हैं तो उनकी क्वालिटी बहुत ही पुअर होती है। और दुख की बात यह है, इस प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा होने के बावजूद इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी नहीं है कि ये अपना प्राइस टैग जस्टिफाई कर पाए, क्योंकि बिल्ड स्किल का लीफ ब्लोअर 1500 रुपये के आसपास फिलहाल मिल रहा है ऑनलाइन। और वहीं अगर आप इसका कंपैरिजन बॉश के साथ करें, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, इसके मुकाबले थोड़े से ही पैसे आपको उसमें डालने पड़ते हैं। तो यही कारण है कि इतने कम प्राइस के डिफरेंस होने से ये प्रोडक्ट इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं रह जाता। अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है तो कम से कम रेट का 600 रुपये से लेकर 800-900 रुपये के आसपास आपको बहुत तरीके के लीफ ब्लोअर्स मिल जाएंगे मार्केट में, जिनकी क्वालिटी काम चलाऊ होती है क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स रहते हैं ज़्यादातर ये। वहीं अगर आपको कोई सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का लीफ ब्लोअर चाहिए तो बॉश का तो डेफिनेटली आता ही है। अगर पावर कंजम्पशन की बात करी जाए तो बिल्ड स्किल ने 620 वाट्स के पावर फिगर क्लेम करी है इस पोर्टेबल ब्लोअर के लिए, लेकिन दुख की बात यह है ये फिगर बहुत ही ज़्यादा ओवरस्टेटेड है, क्योंकि एक्चुअल पावर कंजम्पशन इस ब्लोअर की 450 वाट्स से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं है। और ये पावर फिगर मैक्सिमम RPM पे है जब इसके बटन को पूरी तरीके से दबाया जाता है। यही कारण है स्पेसिफिकेशंस के ओवर स्टेटमेंट के कारण इस लीफ ब्लोअर को रेकमेंड नहीं करा जा सकता। अब ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा डिपेंड करता है कितना गहरा आपने इसके स्विच को दबाया हुआ है, कितनी RPM पे आप इसको चला रहे हैं। अगर मिनिमम स्पीड पे आप इस मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो 150 वाट्स के करीब ये पावर कंज्यूम करता है, जिसके कारण किसी भी इन्वर्टर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं पावर कट के दौरान। अगर नॉइस लेवल की बात करें तो इसका नॉइस लेवल खैर इसके एयर प्रेशर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, और बॉश के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा एयर प्रेशर आपको उसमें मिलता है इसके मुकाबले। अब अगर इसको कंक्लूड करा जाए तो ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है। प्राइस के हिसाब से इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसमें आपको नहीं मिल रही है। अगर आपका बजट बहुत कम है, बहुत से चाइनीज़ ऑल्टरनेट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। वहीं अगर बहुत ही हैवी ड्यूटी यूज़ के लिए कोई भी लीफ ब्लोअर आपको चाहिए जो लॉन्ग टर्म में रिलायबल रहे तो बॉश के कई सारे मॉडल्स आते हैं लीफ ब्लोअर्स के, वो आप ले सकते हैं। इन सभी लीफ ब्लोअर्स के परचेज लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है पावर टूल्स से जुड़े हुए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।